मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज है 18th of March और स्टिल कोरोना की हालत वही है। अभी मैंने अभी सुबह जस्ट न्यूज़ में देखा तो करीब 218 का मींस सर्वे अभी तक तो आया है। बट अच्छी बात यह है कि अभी डेथ्स नहीं हो रही है और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से कल से मीन्स दो दिन से अभी तक सिर्फ ये अज्यूम किया जा रहा था कि जो टेम्परेचर होगा वो जब इंक्रीज करेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कमी आए, मीन्स लोगों को जुकाम वगैरह और ये सब यही सिम्टम्स हैं। तो उस हिसाब से अभी टेम्परेचर तो इंक्रीज किया है, अब लेट्स सी कि अभी क्या होता है, मतलब गर्मी का असर इसमें होता है कि नहीं होता है। और फाइनली मीन्स मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि कल थर्सडे पर जाता है तो थोड़ा सा थर्सडे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मतलब हेयर वॉश करने चलते हैं, क्योंकि जब संडे को करते हैं उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मीन्स 3-4 दिन लगातार हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बहुत हो गया, अब तो हेयर वॉश करनी पड़ेगी। तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। आज मैंने पहनी है गुलमोहर प्रिंट की एक कुर्ती, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था और इसके साथ आज मैंने डालिया है इस टाइप का, तो ये इसमें मैच करती है। और आज अच्छी बात ये है कि आज हमारी आवाज़ से ये पहले उठ गए थे, वेद उठ गए थे। ये देखिए वेद उठ गए। वेद से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वेद क्या खा रहा है? टोस्ट। टोस्ट खा रहा है, ये देखो मम्मी इन्हें खिला रही हैं। इन्होंने ब्रश कर लिया और देव अभी भी देखिए करवटें बदलना है बिस्तर में, अब इनको क्या होता है ये वेट करेंगे। आजकल पता है बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करने लगे हैं दोनों। कल मतलब मैं तो चली गई थी, दोनों सो रहे थे, मम्मी बता रही थी कि देव पूछ रहे थे कि मम्मा कहाँ है, तो वेद कह रहे थे मम्मा अब मैम बन गई है ना इसलिए अपने स्कूल गई है। मैं क्या बताओ, अभी क्या है, अभी तक ऐसा था कि मतलब मैं जहाँ जहाँ स्कूल टीचिंग करती थी वहाँ पर मैंने इनको स्कूल में डाल रखा था। बट अभी ऐसा हुआ है कि अभी थोड़ा अलग हुआ है, अभी तो एडमिशन मैंने वो देखना है अभी मेरे को। बट 3-4 दिन से अभी मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ तो मेरे को भी लगता है अरे पता नहीं कैसे क्या, बट हो रहा है, मैनेज हो रहा है अच्छे से, कोई परेशानी नहीं आती है। अब थोड़ा तो उधम करते ही हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चे हैं। और आज मैंने उसका सुबह का व्लॉग में वीडियो नहीं लिया था तो क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। तो आज मैंने बनाई थी सोया मेथी की सब्जी, अभी बस यही बनाई थी। और ऑब्वियसली पराठे बनाए थे उसके साथ, अच्छी लगती है तो वो है। ये देखिए ये मेरा एक अच्छा सा, ये पीयूष मेरे को देके गया, ये JBL का ब्लूटूथ स्पीकर है। करीब इसमें सिर्फ 3 बटन्स हैं, ये देखिए ऑफ और ये ब्लूटूथ और ये बस वॉल्यूम की है प्लस माइनस। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइट वेट है और साउंड बहुत ही अच्छा है। इसकी मैं पूरा हो सकेगा तो मैं इसका रिव्यू और पूरी एक वो दूंगी। तो मैं सुबह से क्या करती हूँ क्योंकि पापा को भी थोड़ा पसंद है तो ये चला देती हूँ, तो ब्लूटूथ में थोड़ा सुनते रहते हैं, मीन्स वही भजन वजन सुबह से थोड़ा माहौल अच्छा हो जाता है। तो चलिए अभी हो रहा है टाइम, ये देखिए 8:20 नहीं हो रहा है, 15 मिनट्स आगे है घड़ी, तो 8 बज रहे हैं। और अभी आजकल मेरा 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है तो बस निकलूँगी। 20-20 मिनट्स लगते हैं क्योंकि सुबह सुबह रश होता है, 20 मिनट्स लगते हैं। तो चलिए मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोपहर में। तब तक आप अच्छे से हैंड वॉश करते रहिए, अपने बच्चों को कराते रहिए। हैंड सैनिटाइजर मैंने रख दिया है जिससे कि मेरे बच्चे यूज़ करते रहे। मैचिंग हो गया है थोड़ा, ये देखिए वॉच भी होगी ब्लू, ये भी ब्लू। तो आप भी यूज़ करते रहिए, नई हैंड सैनिटाइजर यूज़ करिए तो डेटॉल और जो नॉर्मल हैंड वॉश है उससे बार बार खाना। आप एक चीज़ और अच्छी चीज़ करिए कि जब देखिए जो हम लोग बाथरूम वगैरह के बाहर जो बेसिन होती है, वॉश मशीन होती है, उसमें तो हम लोग हैंड वॉश रखते ही हैं, लेकिन अब ना आप ऐसा करिए जो सिंक होती है आपके किचन की सिंक होती है उसके पास भी एक हैंड वॉश रख लीजिए, जिससे कि कई बार क्या होता है ये लेडीज़ की आदत होती है हाउसवाइफ्स में कि अरे अब उतनी दूर कौन सा जाए, चलो यही पानी धुल लेते, कौन सा हमने क्या छुआ है, कौन सा हम कहाँ कुछ बाहर गए हैं। तो नहीं, आप वहाँ पे एक हैंड वॉश रख लीजिए, अगर वहाँ पे एक हैंड वॉश रहेगा तो आप फिर मीन्स हैंड वॉश होता रहेगा। इसलिए लोग अपनी आदत चेंज कर रहे हैं, आप लोग भी चेंज कर रहे हैं, तो इसको आगे और बढ़ाइए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोपहर में, तब तक बाय बाय। बज रहे हैं शाम के 6:30, 5 बजे उसकी फिजियो होती है, तो फिजियो वाले सब से अभी अभी गए हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ ये जो इसके चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स होते हैं। तो पहले मैंने एक बार चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि
हमें 2 टेबल स्पून वेज इसका मसाला ऐड करना है। बट मैंने जब ये पैकेट खोला है तो इसमें मेरे को कोई मसाला नहीं मिला है। मेरे को ऐसा लगा था शायद मैगी की तरह होगा, क्योंकि जो उन्होंने रेसिपी है वो पूरी वैसी लिखी है कि पहले आप चॉप दो ये देखो सब्जी। जैसे मैंने इसमें अनियन ले लिया है, कैप्सिकम ले लिया है, मतलब प्याज ले लिया है, थोड़ा सा कैबेज ले लिया है, और ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ऑनियन प्याज, ये 3 चीजें ले ली हैं। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी, और उसमें वैसे लिखा था फिर इसमें आप मसाला ऐड करिए जो उसका थिंग्स का है, थोड़ा सा पानी ऐड करिए और बनाइए। पर इसमें मसाला तो निकला ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इसको जैसे सिवैया बनती है ना वैसे मैं ट्राई करती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मेरे को आइडिया नहीं है। नॉर्मल चाउमिन का तो है, उसको अलग से बॉईल करना पड़ता है, देन फ्राई करना पड़ता है। तो देखते हैं बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना तो बन ही जाएगा, थक जाएगा। तो इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा करना है। तो चलिए ट्राई करते हैं मैं अपनी रेसिपी। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, अब जीरा और टमाटर, टमाटर तो भूल ही गए, बट नहीं डालना है और हम टमाटर क्योंकि फर्स्ट टाइम है, देख रहे टमाटर सॉस खा लेंगे। हल्दी ऐड कर दी है, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, उसी में जिसमें बॉईल हो जाए। नमक थोड़ा सा, बस बन जाए, इतनी बन जाए कि वो खप जाए। इसमें नमक होता है थोड़ा, ये देखिए। और इसको अभी मैं मिर्ची पैकेट बनाती हूँ, और ये देखिए हमारी वेजिटेबल नूडल्स बनके तैयार है। मींस जैसे अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी, देखो बहुत पसंद है, मींस उसको नूडल्स ही बहुत पसंद है, तो मेरे को अच्छा लगा कि घर पे, क्योंकि बाहर का अभी तो बिल्कुल अवॉइड हो रहा है, तो चलो घर पे एक नई रेसिपी उसके लिए बन गई और वो खुश भी हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे खाती। और ये देखिए दोनों को साइड में मैंने फ्रूट्स में सिर्फ पपाया रख दिया था और ये नूडल्स दे दिए थे पपाया। आज आपको सिर्फ छिलके वाले फ्रूट्स यूज करिए। तो आ गए हैं, तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि इस पैक में क्या होगा और उस पैक में क्या होगा। एक्चुअली कुछ एक आध सामान मम्मी को चाहिए था किचन के लिए और एक आध मेरे को कुछ चाहिए था। मैंने जैसे ऐसे बोला था कि कुछ अलमीरा टाइप का बच्चों का ऐसा हो जाता है, जैसे टेम्परेरी मीन्स फोल्डेबल टाइप का, तो एडजस्ट हो जाता। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें पहले क्या आया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सामान हो गया है फोल्डिंग वाला, तो वो इजीली फोल्डेबल हो जाता है। और ये देखिए जब हम अगर एक पैकिंग इसकी हटाते हैं तो अंदर से फिर से एक कार्टून निकल के आता है। पैकिंग धीरे धीरे ना मीन्स फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों को अप्रिशिएबल हो गई है, अच्छी ही पैकिंग बढ़ती जा रही है। तो ये मैंने हटा दिया है और ये देखिए ये कर्नाटका से आया है, परफेक्ट होम स्टूडियो बुक शेल्फ। यस, ये बुक शेल्फ आई है और इसकी पैकिंग अच्छे से है, परफेक्ट होम्स की तरफ से है। ये आप देख सकते हो इधर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये परफेक्ट होम्स, तो एक ये अच्छा रिव्यू मेरे को ऐसा लगता है। और ये देखिए इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का भी इसमें देने लगे हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है। पैकिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी करी है, चारों तरफ से सेलो टेप से इन्होंने अच्छे से लगाया हुआ है। और आजकल चीज़ें जितनी ज़्यादा इजिली फोल्डेबल होंगी ना, उतना ही बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, उतना ही पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल है। मैंने जस्ट यूजुअली ऐसे ही बोला था, डिस्कस किया था कि हम लोग ये कैसा ले सकते हैं, और उसने ऑर्डर कर दिया था।
देखिए मेरे से इतना रहा नहीं जा पा रहा। आप लोगों ने मेरा वो रिव्यू भी देखा होगा जिसमें मैंने बच्चों की जो तो वो एलवीरा थी उसको किया था। तो इसमें से ये निकली है रॉड्स, ये देखिए ये निकली है रॉड और ये है स्टील की रॉड। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 रॉड्स पूरी हैं ये, यानी 4 रॉड्स एक तरफ लगेंगे तो 5 लेयर्स की ये अलमीरा बनेगी। 4, 5, 20 तो ये वैसा बनेगा। ये उसका है क्लोथ, ये देखिए ये उसका है क्लोथ। और ये है देखिए कुछ इन्होंने, अगर ये निकालें ये इन्होंने दिया है ग्रे कलर में, ये ग्रे कलर का है, इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सही है। और कुछ इन्होंने ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो लेट्स सी, प्लास्टिक के आए हैं, इन्हीं में से शायद इन्हीं में शायद वो अटैच होगा, तो ये मेरे को करना पड़ेगा। और रॉड्स का एक सेट और है, ये देखिए ये रॉड्स का एक सेट और है, बाकी सारे निकले हैं ये। तो चलिए इसके असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा असेंबल हो रहा है। कोई भी निकालो वो सीधा तो करोगी ना। फाइव लेयर्स की पूरी असेंबल होके रेडी हो गई है और काफी स्पेस है, काफी हाइट है, तो मस्त।